हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि आज के वीडियो में मैं एक हर्बल पाउडर यूज़ करने वाली हूँ जो है मीरा है इसका नाम, मीरा हर्बल पाउडर, और काफ़ी पुराना है। इसके बहुत सारे चीज़ें और भी आती हैं जैसे शैम्पू, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। काफ़ी पुराना है और पॉपुलर भी है, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था और बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी है। तो इसका जो सैशे आता है उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, एंड देखने वाली हूँ कि बालों पे ये कैसा काम करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये हर्बल पाउडर मेरे बाल पर कैसा काम करता है, कैसे रिज़ल्ट देता है, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। ये जो हर्बल पाउडर है ये 11 नेचुरल हर्ब्स से मिलके बना हुआ है, जैसे शीका काई रीठा, करिस लंकी, फैनी ग्रीक, तुलसी हिबिस्कस और आंवला, यूकेलिप्टस ऑयल, ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। इसको आप बाथिंग पाउडर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर वॉश पाउडर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं तो बॉडी की हीट को ये दूर करता है और आपको आपका हेडेक वगैरह इससे ये क्लेम करता है कि इससे ठीक हो जाएगा। और आप बालों में यूज़ करते हैं तो हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, ब्रेकेज को रिड्यूस करेगा और हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। ये एक आयुर्वेदिक पाउडर है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये जो मीरा हर्बल पाउडर है, इसके शैम्पू आते हैं, ऑयल्स आते हैं, ये सारे भी काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं इसका। ये जो पैक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 40 ग्राम का पैक है, 34 रुपीज़ का आता है, जिसको आप आराम से 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप अपने बालों के हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले लीजिए, इसको वाटर के साथ मिक्स कीजिए, एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और इसको अपने बालों पर लगा लीजिए। बालों पर बहुत देर तक नहीं लगे रहने देना है, बस 5 मिनट तक लगे रहने दीजिए। पर जब आप बालों पर लगाते हो तो अच्छे से मसाज करो, अच्छे से इसको मसाज करो, आपको काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट भी देगा। और इसको फिर वॉश कर दीजिए। जब आप इसको वॉश करेंगे तो ये इतना ज़्यादा लेदर करता है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से ये बालों को क्लीन करता है। बस इस पाउडर के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जब आप हेयर वॉश कर भी लेंगे तो एक दिन तक कम से कम आपके बालों में रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। जैसे कुछ औषधि वगैरह आती है ना, उनकी कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल होती है, इसमें वैसी ही कुछ इसकी फ्रेग्रेंस है। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ करने के बाद मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। तो अगर आप इसको ऑयल, अच्छे से ऑयल मसाज करते हो उसके बाद इसको यूज़ करते हो तो आपके बाल थोड़े से सिल्की भी रहेंगे और ज़्यादा फ्रिजी नहीं रहेंगे। पर अगर आप इसको विदाउट ऑयल यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाएंगे। ये बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, मतलब अगर जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है उनको तो यूज़ करने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बिल्कुल आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। बस प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ऑयल के साथ यूज़ करें, पहले ऑयल लगाएं इसके बाद इसको यूज़ करें, क्योंकि विदाउट ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील होने लगेगी। बाकी ये शैम्पू अच्छे से क्लीन करेगा, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। और आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, ईजिली अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। मतलब आप ऐसे ही नॉर्मल शॉप पर जाएंगे वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं, ये ईज़िली मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करके इसको ज़रूर देखो कि आपके बालों में कैसा काम करता है। और मुझे इसको यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। तो अगर आप केमिकल वाले और शैम्पू और प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके थक गए हो और कोई हर्बल प्रोडक्ट चाहते हो तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। और आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।